أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

बात चल रही थी उमर रसीदा लोगों के हकूक़ के सिलसिले में पिछले दरूस में कुछ चंद अहम बातें उम्र दराजी के सिलसिले में क्या लंबी उम्र की हम दुआ कर सकते हैं इसी तरह लंबी उम्र के सिलसिले में लंबी उम्र पाने के लिए क्या इख्तियार करना चाहिए कुछ मादी और दीनी उसब का मैंने पिछले दरूस में जिक्र किया था आज का जो हमारा मौजू है दराजी उम्र की सूरतें है क्या हैं लंबी उम्र पानी की क्या शक्लें ज़ाहरी क्या शक्लें कुछ अतें जो बताई गई अदी में इस सिलसिले में चंद अहम बातें मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा कुरान हदीस में दर्ज़ उम्र की मुख्तलिफ है शक्लें उसकी सूरतें बयान की गई ने कुछ अहम बातें इस सिलसिले में जिक्र की हैं सबसे पहले देखिए उम्र में उम्र को जहाँ जिक्र आया है इस बात का कि उम्र को बढ़ाया जाता है उम्र में इजाफ़ा होता है उम्र में इजाफ़ा किया जाता है उम्र को बढ़ाया जाता है इससे क्या मुराद है क्या इसका माना है क्या इसका मतलब है इस सिलसिले में पहली बात उलमा ने कहा कि अल्लाह ताला उम्र की मेदार में इजाफ़ा फरमाते हैं इंसान की जो उम्र है दस साल है तो उसको बढ़ा देते हैं अल्लाह ताला बीस साल है उसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं तीस साल चालीस साल जितनी भी उम्र उसके हैं उस उम्र की मक़दार में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाते हैं जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिर आयत नंबर ग्यारह में कहा मर वालय खसमिन फ़ी किताब अल्लाह ने कहा और ना किसी शख्स की उम्र ज़्यादा की जाती और ना कम की जाती किसी की उम्र ना ज़्यादा ना कम मगर ये सब किताब यानी अल्लाह ताली की किताब में लिखा हुआ अल्लाह ताली को बेहतर मालूम है हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है किसको कितनी उम्र दी जाए किस के उम्र में कब इजाफ़ा किया जाए कौन इस बात का मुस्तक है हकदार हैं ये तमाम अल्लाह को मालूम है इस आयत की तफसर में उल्मा ने बहुत सारी बातें बताई हैं मैं मौलाना हाफि सलाउद्द्द्न यूसुफ़ रहा ने जो इस सिलसिले में जो बातें आपने ज़िक्र की हैं आपकी तफसीर में उसका मैं जिक्र करूँगा आप फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि उम्र की तिलावत तिवालत उम्र में इजाफ़ा और उसकी तकसीर उम्र में जो तिवालत होती हैं उम्र में जो बढ़ाया जाता है इजाफा किया जाता है और तकसीर यानी उम्र में कमी की जाती हैं कहते हैं अल्लाह की तकदीर और ये ख़ज़ा का मामला है तकदीर से इसका ताल्लुक़ है उम्र में चाहे इजाफ़ा किया जाए चाहे कमी हो ये अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखी हैं इसके अलावा कहते हैं उसके इसबाब भी हैं इसके बहुत सारे इसबा हैं जिससे उम्र लंबी और मुख्तसर होती हैं कहते हैं आगे कि तिवालत के इसबाब में सिला रहमी वगैरह इंसान सिला रहमी करे लोगों के रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करें जैसा कि अहादीस में मौजूद हैं और तकसर के इसबाब जो है कसरत मासी का अरतिका बहुत ज़्यादा इंसान गुना करता है तो उसकी उम्र घटा दी जाती है कम कर दी जाती है मसला कहते हैं किसी आदमी की उम्र अगर सत्तर साल है लेकिन कभी उसबी ज़्यादत की वजह से ऐसे इसबाब इंसान इख्तियार करता है जिससे अल्लाह ने कहा है कि उसके उम्र में इजाफ़ा किया जाएगा तो अल्लाह ताला उसके उम्र में इजाफ़ा करते जब इंसान उनबाब को इख्तियार करता है उन मादी और दीनी उसब्बाब को तो अल्लाह ताला उम्र में इजाफ़ा फरमाते और कभी उसके उम्र में कमी कर दी जाती हैं जब वो इसबाब नुकसान इख्तियार करता है ऐसे अमाल करता है ऐसे गुनाह ऐसे हरक़ जिससे जो है उम्र में कमी होती हैं और कहते हैं और ये सब कुछ उसने लोहे महफूज में लिखा अल्लाह ताला ने तमाम बातें लोह महफूज में अल्लाह ने लिख दी इसलिए इस उम्र में ये कमी बेशी सूरह नहल की आयत नंबर कहते हैं सिक्सटी वन में इकसठ में अल्लाह ने कहा फ़ैदा जा अजलुहम लायस्त ख़िरन असात हूँ वला आयिस्तम अल्लाह ने कहा जब वक्त आ जाता है तो फिर ना एक सेकेंड का इजाफा होगा ना कमी होगी जो वक्त अल्लाह ने लिख दिया है उसी वक्त इंसान की मौत आएगी कहते हैं इस आयत की मुनाफी नहीं है इसकी ताइद अल्लाह ताल के इस कौल से भी होती है कहते हैं सुर रात आयत नंबर थर्टी नाइन की रोशनी में यमल्लाशा वित विताब अल्लाह तिस जिसकी चाहे उम्र जो चाहता अल्लाह ताली जो है मिटाता है जिसमें उम्र भी कमी करना है और जो चाहे अल्लाह बाकी रखता है और उसके पास लोहे महफूद हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले दर्स में मैंने जिक्र किया था कि ये अल्लाह ताला ने आनास रोदी अल्लाह तुं के हक़ में माल औलाद उनकी उम्र में इजाफ़े और उनकी मकफ़रत की दुआ की थी अनसर उदी तुम अपने बारे में कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारे औलाद बहुत सारे माल से नवाज़ा कि अब मैंने अपने हाथों से कई औलाद को दफ़न किया अल्लाह उबा और कहते हैं मुझे इस कदर खुश हाली नसीब हुई कहते हैं सबके बाग साल में जो है एक मरतबा बाग में एक मरतबा फसल आती थी लेकिन मेरे बाग में दो मरतबा जो हैं गाज उगता था और फल वो बाग जो है फल देता था इतनी बरकत हुई और कहते हैं मेरी उम्र इतनी तवील हुई बसावत कहते हैं मुझे लोगों से हिजाब महसूस होता है शर्म आती थी मुझे इतनी लंबी उम्र पाए आप आखिरी दुआ के बारे में फ़रमाते हैं अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कभी उम्मीद कि अल्लाह ताला जो है मुझे माफ़ फरमाएगा अल्लाह के नबी ने मेरे लिए दुआ की है अल्लाह अपने फ़जल करम से जो है मुझे माफ़ फरमाएगा इसी तरह देखिए दराज़ी उम्र का एक जरिया उम्र में बरकत पहली चीज़ मैंने बताई उम्र की मक़दार जो मक़दार है उसमें इजाफा किया जाता है दूसरी चीज़ उम्र उतनी ही रहती है जो अल्लाह ने पहले से तय कर दिया है अलबत् उस उम्र में अल्लाह बरकत देते हैं इंसान थोड़ी उम्र पाएगा चंद ही साल मुख्तर ज़िंदगी गुजारेगा लेकिन बड़े बड़े कारनामे बड़े बड़े आमाल और वो नेकियाँ, वो इसबाब इख्तियार करेगा जिससे उसका मरतबा दुनिया में भी ऊँचा होगा आख़रत में बड़े मुनासिब बड़े मरातब और फजीलत ऊँचा मकाम जो है हासिल करेगा और तारिक गवाह हैं अल्लाह तला ने ऐसे बंदों को पैदा किया अम्बिया में से सहाबा में से ताबइन में से तब ताबी में से और उस उम्मत के बड़े बड़े मुहदसन मुफक्न उदबा अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर और बहुत सारे लोग हर फील्ड में पैदा हुए हर दौर में हर ज़माने में हम देखते हैं कि बड़े बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए वो अपनी जगह एक अंजुमन थे एक अकेडमी थे और बड़े बड़े कारनामे खुद हमारे नबी महमद और रसोल्ला सल्लम दीगर अम्बिया के मुकाबले में आपकी उम्र कम थी तिरसठ साल ज़िंदगी और नबूत के बाद सिर्फ तेईस साल ज़िंदगी लेकिन एक अदीम इनकलाब आपने बरपा किया अल्लाह के पैगाम को इस उम्मत की फ़िक्र ऐसे ही कि अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया और बहुत सारे लोगों के दिलों को जीता और ऐसी तालीम आपने तालीम का ऐसा तरीक़ा अपनाया एक ऐसी टीम सहाबा की अपने तलामिजा की तैयार की अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मुख्तसर अरसे में दुनिया को फतेह किया इस्लाम की तलीमत को फैलाया अहमदल्ला ये सब जो है उम्र में बरकत का नतीजा था इसी तरह देखिए उम्र में इजाफ़े की एक सूरत जो ने बयान की है कुरान हदीस की रोशनी में कि इंसान के मरने के बाद भी उसके अजर सवाब में इजाफ़ा होता है इंसान मर जाता है नेकियां का सिलसिला ख़त्म नेकियों का अकाउंट बंद हो गया लेकिन कुछ बंदे भी ऐसे भी हैं कुछ आमाल ऐसे हैं इंसान करके जाता है उसको इख्तियार करके जाता है मरने के बाद भी उसकी नकियों का अकाउंट उसका हिसाब जारी रहता है नाम अमाल जारी रहता है और मशहूर हदीस अबू हर रदील्ला से जमवी हैं सही मुसलमे है। अल्लाह के नबी सास ने कहा इज़ाम सदिन जारिया और बही और वलिन यदौल के इंसान मर जाता है उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सवाए तीन चीज़ों के तीन चीज़ें ऐसी हैं मरने के बाद उसका स्वाब जारी रहता है बिनसदत जारिया ऐसा अमल करें ऐसी नेकिया ऐसे अमाल जिसका स्वाब आगे पहुँचता रहें कोई कुआं खुदवा दिया कोई मस्जिद बना दी कोई मसहफ वक्फ कर दिया ऐसे बहुत सारे नेकियां, जिसका सवाब इंसान को बराबर जारी रहे जिससे लोग फ़ायदा उठाएं और कहा और भी फिर उन तमाम नेकियों में आमाल में अल्लाह के नबी ने इल्म का जिक्र किया ख़ास तौर से कहा ऐसा इल्म जिससे वो खुद फ़ायदा पहुँचाएँ लोगों को फ़ायदा जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ किताबें लिखी तखरीरें की वादो नसीहत की जो भी बातें जिससे मरने के बाद लोग फ़ायदा उठाते रहें उन इल्मी बातों से और ये इनसाल या कोई नेक औलाद छोड़ के जाए लड़का या लड़की की शक्ल में या दोनों जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआएँ मगफ़रत करें उससे इंसान के दर्जे बलंद होते हैं इसी तरह देखिए किस उम्र कितनी होगी ये कोई नहीं जानता इंसान कितने साल जिएगा बुढ़ापे को पाएगा नहीं पाएगा जवानी तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कोई नहीं जानता मोमिन को चाहिए एक बंदे मोमिन को बंदे मोमिना को ज़िंदगी के हर लम्हे को हम और आप जो है गनीमत समझें नेक अमल करें खुश नसीब हैं वो लोग यकीन खुश नसीब अल्ला हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाएँ जो लोग तवील उम्र पाते हैं और अच्छे अमाल करते हैं अच्छी नकियाँ ऐसी नकियाँ कि जिसका मरने के बाद भी सवाब मिलता है हमें सदक़े जारिया की फ़िक्र करना चाहिए और ऐसे अमाल करें ऐसी नकियाँ करें जिसका मरने के बाद सवाब मिले ऐसा ना हो हरगिज़ ना हो आज बहुत सारे नौजवान ख़ास तौर तो से नौजवान लड़के लड़कियां हमारे नौजवान भाई बहनें ऐसी हैं और ख़ुद हम भी उसमें शिकार हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए गुनाहों से हर बुरे अमल से गंदी प्लानिंग करते हैं और गंदी चीज़ें मैसेजेस भेज रहे हैं और कितने ऐसे लोगों के बारे में हमने सुना कि एक दो साल बल्कि कई सालों के लिए उन्होंने सेटिंग ऐसी की लोगों को गलत मैसेज जाएंगे गाने फिल्मी गाने और फला फला गलत चीज़ें मर्द गया इंसान कितने लोग मर चुके हैं मरने के बाद भी सदक़ जारिया की बजाय गुनाह है जारिया के काम करके गए मरने के बाद भी गुनाह अल्लाह अकबर दूसरों को ऐसी तालीम दे के गए नौज़ बिल्ला गुमराह खुद भी गुमराह हुए दूसरों को गुमराह किया उसका जो है अजाब मिलेगा अल्लाह अकबर अल्लास्तान हमारा आपको चाहिए कि हम नेक अमल करें जितनी भी उम्र मिले अल्लाह से तोफ़ी भी मांगे दुआ भी करें अल्लाह के नबी सा आसन से जब पूछा गया कौन सा शख्स सबसे बेहतर है आप सा आसन ने फ़रमाया मन तलामर हो वहन अमल हो जिसकी जो लंबी उम्र पाए और अच्छा काम करने की उसको तोफ़ी मिले हुसन अमल की तोफ़ी मिले ये सबसे अच्छा इंसान है हमें इनमें शामिल फ़रमाया और पूछा गया कि कौन सा इंसान सबसे बुरा है अल्लाह के नबी सा पाक कहाँ जिसकी उम्र तो लंबी हो लेकिन बुरे आमल वो करता हूँ हसन अमल की तोफ़ी जिसको हासिल ना हो जो लोग देखिए उम्र को ज़ाय करते हैं अपनी ज़िंदगी के अवत को गनीमत नहीं जानते क़ियामत के दिन कितनी लंबी उम्र भी पाए उसको बहुत मुख्तर वो समझेंगे और इंसान जो है वो इंसान जिसको जो लंबी उम्र पाए लेकिन हुस्न अमल की तोफ़ी ना मिले अच्छे काम ना करें और उम्र को गनीमत ना जानें तो बड़े मुजरिम होते हैं बदनसीब इंसान हैं अल्लाह के नबी सा ने फरमायादरल्लमराम आख़र आजलहू हती सही बुखारी की रिवायत हैं अल्लाह तल ने अल्लाह उस शख्स के उज़्र को कबूल नहीं करेगा उस बंदे के उज़्र को अल्लाह ताली हरगिज़ कबूल नहीं करेगा जिसको इस क़दर मोहलत अल्लाह ने दी इतनी मोहलत दी कि साठ साल उम्र भी पाया लेकिन उसके बावजूद नेकियां नहीं कर सका अपने दामन को नेकियों से खाली रखा अल्लाह अकबर ये बदनसीबी की बात इंसान लंबी उम्र पाए और अच्छा काम ना करे नेकियां वो नेकियां वो आमाल हालांकि उतने बड़े बड़े नहीं है नजात के लिए उतने बड़े बड़े आमाल नहीं कोई पहाड़ ढोना नहीं और कोई बड़ी मुसीबतें परेशानियाँ वाली बात नहीं जितना इंसान आगे बढ़ेगा अलग बात है आजमाइश आएगी थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा कुरबानियाँ देना पड़ेगा लेकिन छोटी छोटी नकियाँ ऐसी भी हैं जिसको बताया गया उसको करके इंसान जो है अज़ीम मकाम पा सकता है जन्नत हासिल कर सकता है जहन्नम से बच सकता है तो अल्लाह से दुआ है आखिर में अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने के अल्लाह तोफ़ी अदा फरमाएँ अल्लाह हमें उम्र में इजाफ़ा फरमाएँ, हसन अमल के अल्लाह तोफीक़ दें दुनियाई मसायल मुश्किल से हिफाजत फरमाएँ अल्लाह ताली जब तक तो दुनिया में ज़िंदा रखें हालत ईमान में ज़िंदा रखें हसन ख़ातिमा नसीब फ़रमाएँ आमीन जो भी ख़िदमत हम अंजाम दे रहे हैं अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए जारिया के हमें फ़िक्र करने और उसके लिए काम करने की तोफ़ी अदा फरमायें गुना है जारिया और हर कस्म के गुना से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएं आमीन सुमी और मालीना अबलामबी असलकम वरकू